हेलो क्लास सेवेंथ स्टूडेंट, आई एम प्रशांत गौतम, योर मैथमेटिक्स टीचर। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द डिवाइडेशन ऑफ इंटीजर्स, बट टुडे वी विल डिस्कस योर चैप्टर सेकेंड, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। आवर टॉपिक विल बी सॉल्व द फ्रैक्शंस। पिछली वीडियो में हमने इंटीजर्स का डिवाइड करना सीखा था, और आज की वीडियो में हम आपके सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड फ्रैक्शन एंड डेसिमल से टॉपिक सॉल्व द क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस को हमें पहले पढ़ना है, डेसिमल्स हम बाद में पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में हम फ्रैक्शंस पर डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन जिस तरह से आप जानते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब कोई संख्या लिख दी जाती है तो वो फ्रैक्शंस कही जाती है, या किसी होल नंबर के एक छोटे से पार्ट को हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। अब ये फ्रैक्शन जो है वो कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रैक्शंस को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो नंबर फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऐसा फ्रैक्शन जो जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है 3/7 हमने लिख दिया, तो यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर कैसा बड़ा है, तो ऐसा फ्रैक्शन ये होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक इसका अपोजिट, जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। दोनों में आप अंतर कर पाएंगे, न्यूमरेटर जिसका छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इसके बाद तीसरा आता है मिक्स फ्रैक्शन। जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में मिलाकर लिख देते हैं तो वो मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे 7/3, इसको हम लिखना चाहें मिक्स में तो किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले 3 का डिवाइड करते हैं या टेबल पढ़ेंगे 7 में, कितनी बार जाएगा? 3 1 3, 3 2 6, 2 बार पूरा पूरा जाएगा, 2 लिखा। अब रिमाइंडर कितना बचता है? 3 2 6, 6 आया था, है 7, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 1, 1 ऊपर रिमाइंडर लिख दिया, अपॉन जो न्यू डिनोमिनेटर लिखा होता है उसको वैसा ही लिख देते हैं। तो ये मिक्स में चेंज करने का तरीका है। अब आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, 3 2 6 और 1 प्लस कर दे तो 7/3 आ जाएगा, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, किस तरह से फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है 2 - 3/5, एक होल नंबर में से हम 3/5 को माइनस कर रहे हैं, तो किस प्रकार से किया जाएगा नीचे देख सकते हैं आप। यहां पर आप देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं, लेकिन यहां पर केवल होल नंबर है। जब कोई ऐसी संख्या लिखी होती है तो उसके अपॉन में 1 हम मान सकते हैं। अपनी तरफ से हमने 2/1 कर लिया माइनस 3/5, तो इसको इस तरह से लिख लिया हमने फ्रैक्शन को। अब फ्रैक्शन प्लस करना है या माइनस करना है वो अलग बात है। सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है क्या, हम देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक 1 है तो दूसरा 5 है। सबसे पहले हमारा काम होता है डिनोमिनेटर को सेम करना, तो डिनोमिनेटर को किस तरह से सेम किया जाता है आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। 5 जितने भी डिनोमिनेटर लिखे होते हैं उसका एलसीएम लेते हैं, जैसे 1 और 5 लिखा हुआ है, तो 1 और 5 का एलसीएम आपको पता है 5 ही आएगा, 5 1 5, तो 5 जो एलसीएम आएगा उसी के बराबर डिनोमिनेटर को बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 5, एलसीएम ले लिया। अब 1 का डिवाइड किया 5 में, कितनी बार गया? 5 बार, 1 5 5, तो ऊपर मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, 5 2 10,
माइनस 5 का डिवाइड किया 5 में, कितनी बार गया 1 बार, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 3 में, 1 3 या 3। ओके, यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, तो 10 माइनस 3 7 अपॉन 5, तो ये जो आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। आप इसको मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर जो है छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको मिक्स में चेंज कर सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन है, 4 प्लस 7 अपॉन 8, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। 4 अपॉन 1 कर लिया हमने, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लिया, 7 अपॉन 8, तो वही जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में किया था, 1 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, तो 8 एलसीएम किया, 1 का 8 में डिवाइड किया 8 बार गया, 8 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 4 में, 8 4 जा 32, प्लस लगाया, 8 का 8 में डिवाइड किया 1 बार गया, और 1 जो आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर किया 7, 1 7 जा 7, 32 प्लस 7 कितना होता है 39 अपॉन 8, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सेकंड मेथड, आप अगर आपको ये समझ नहीं आया तो हमने सेकंड मेथड भी लिखा हुआ है, किस तरह से करते हैं। जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, 4 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन 8, तो अब हमने एलसीएम लिया तो कितना आया 8। अब हमें 1 और 8 को कितना बनाना, 8 एलसीएम के बराबर, तो 1 को 8 बनाने के लिए 8 का मल्टीप्लाई किया करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 अपॉन 8, 8 को 8 बनाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 4 8 जा 32, 1 8 जा 8, प्लस लगा लीजिए 7 अपॉन 8, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 1 और 8 अलग अलग था डिनोमिनेटर, अब सेम हो चुका है 8 और 8। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम दोनों को प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो 32 प्लस 7 लिखा और इन दोनों को ऐड करके आंसर निकाल दिया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे, 2 होल 2 अपॉन 3 प्लस 3 होल 1 अपॉन 2, इस तरह का लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, उसके बाद प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो 3 2 जस 6, 6 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 अपॉन 3, प्लस लगाइए, 2 3 जस 6, 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, अपॉन 2 जैसा लिखा है वैसा लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर 3 और 2 दो संख्याएं हैं, इनको किस तरह से सेम करेंगे, एलसीएम लेके सेम करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 1 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो एलसीएम इनका 6 आया। इसका मतलब क्या है, 3 को भी हमने 6 बनाना है और 2 को भी हमने 6 बनाना है, तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो हमने नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 2 जा 6। अब डिनोमिनेटर में जितना भी मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी किया जाता है, सेम इसी तरह से 2 को हमें 6 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 या 6, जब नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा इक्वल रखने के लिए। फिर क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 2 जा 16 अपॉन 2 3 जा 6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 2 3 जा 6। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप दोनों को ऊपर जोड़ सकते हैं, 16 प्लस 21 इज इक्वल टू 37 अपॉन 6, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस वर्क में आपका 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करना होगा आपको, जितने भी उसमें पार्ट दिए हुए हैं वो आप करके हमें सेंड करेंगे, एक्सरसाइज मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। यस, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ सॉल्व, तो ये जितने भी क्वेश्चन है 1 to 7 ये आपको सभी सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करके हमें व्हाट्सएप पर इसके आंसर भेजना होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर सकते हैं, उसके बाद इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।